अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू जायकेदार खाना। आज मैं आपके साथ कढ़ी चावल बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। बनाने में आसान ये कढ़ी चावल बहुत ही ज़्यादा लजीज होते हैं। बच्चे हो या बड़े, हर मौसम में ये कढ़ी चावल सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। मैंने यहाँ पर कढ़ी बनाने का बहुत ही अनोखा तरीका बताया है। कढ़ी तो आपने कई बार बनाई होगी, एक बार आप मेरे तरीके से ये कढ़ी बनाकर देखिए, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं लजीज कढ़ी चावल बनाना। कढ़ी बनाने के लिए मैंने 400 ग्राम दही लिया था कटोरी से, ये एक कटोरी है। इसको ग्राइंडर जार में डालकर हल्का सा बीट कर लिया है। दही को हल्का सा फेंट लेने से अच्छा चिकना हो जाता है। अब इसमें एक छोटा चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ, एक स्मॉल साइज की प्याज, 4 हरी मिर्चें, थोड़ी सी धनिया पत्ती, आधा छोटा चम्मच जीरा, इनको पीस लिया था यह डाल देती हूँ, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चौथाई चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 बड़े चम्मच बेसन, इन सभी को मैं दही के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। सारे मसालों को दही के साथ में अच्छे से मिक्स करना है, जिससे इसमें जो भी गुठलियाँ हैं वो नहीं बनेंगी। एक कटोरी गाढ़ा दही था, उसी कटोरी से मैं 2 कटोरी पानी डाल देती हूँ, जितना दही था उसका डबल पानी डालेंगे। अभी मैंने एक कटोरी पानी डाला है। अब सारे चीज़ों को मैं एक बड़ी सी कढ़ाई में डाल देती हूँ, जिसमें कढ़ी बनाऊँगी। अब एक कटोरी पानी में और डाल देती हूँ। नमक मैंने अभी नहीं डाला है। अब इस कढ़ाई को गैस ऑन करके उस पर रख देती हूँ और लगातार चलाते हुए इस कढ़ी को पकने देंगे। कढ़ी को लगातार चलाते रहना है, अगर इसको हम चलाना छोड़ देंगे तो कढ़ी है ना फट सकती है, पानी और दही अलग अलग हो जाएगा और हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कढ़ी को एक ही दिशा में लगातार चलाते रहना है। जैसे जैसे कढ़ी पकेगी इसमें कलर भी अच्छा आ जाएगा। देखिए कढ़ी में उबाल भी आना शुरू हो गया है और कितना अच्छा इसका कलर भी आ चुका है। शुरू में कढ़ी पतली लगती है, पर जैसे जैसे ये पकेगी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। अब इसमें मैं एक छोटा चम्मच भरकर नमक डाल देती हूँ। नमक हम अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं। एक बार नमक को मिक्स कर लूँगी और गैस की फ्लेम को लो करके आधे से ज़्यादा कवर करके इस कढ़ी को पकने देती हूँ, जब तक पकौड़े तैयार कर लेते हैं। पकौड़े बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम बेसन लिया है। अब इसमें मसाले मिलाऊंगी। देखिए थोड़ी सी धनिया पत्ती, 5-6 हरी मिर्चें और एक बड़ा सा प्याज, इन सभी को मैंने बारीक काट लिया था, ये डाल देती हूँ। एक छोटा चम्मच जीरा, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच नमक डालकर सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। जब मसाले बेसन के साथ में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, इसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक थिक बैटर तैयार करूंगी। बैटर को ज़्यादा पतला नहीं करना है, नहीं तो पकौड़ों का शेप अच्छा नहीं आएगा, इसलिए हल्का सा इसको गाढ़ा ही रखें। शुरू में तो गाढ़ा ही रखना है इसको, जैसे जैसे हम फेटेंगे ये थोड़ा सा पतला होगा। सारे मसाले और पानी अच्छे से मिक्स होने के बाद में बेसन को 5 मिनट अच्छे से फेंट लेने से बिना सोडे के ही बहुत ही फूले फूले मुलायम पकौड़े बनते हैं। 5 मिनट फेंट लेने के बाद में देखिए इस तरह से बैटर हो जाता है। चलिए अब पकौड़े बनाते हैं। गैस ऑन करके कढ़ाई में तेल डालकर अच्छा तेज गरम कर लिया है। अब इसमें पकोड़े डालेंगे। देखिए इस तरह से गोल गोल पकोड़े डालते जाना है, जितने पकोड़े कढ़ाई में आ जाए उतने ही डालें। थोड़ी सी खाली जगह भी रहने देंगे, जिससे इनको फ्राई करने में आसानी होगी। देखिए पलट पलट कर दोनों तरफ से अच्छे ब्राउन फ्राई कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब कर दिया है उनका तहे दिल से शुक्रिया। पकोड़े बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, इनको मैं निकाल लेती हूँ और बाकी के बचे हुए पकोड़े भी मैं फ्राई कर लूँगी। कढ़ी को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। देखिए कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ऐसी ही कढ़ी होना चाहिए, क्योंकि इसमें अभी हम पकोड़े डालेंगे तो पकोड़े भी कढ़ी को एब्जॉर्ब करेंगे, कढ़ी और गाढ़ी होगी। इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि कभी भी कढ़ी को शुरू में ज़्यादा गाढ़ी नहीं करना है, क्योंकि जैसे जैसे ठंडी होती है गाढ़ी होती जाती है। गैस की फ्लेम को बंद कर इस कढ़ी को कवर करके रख देती हूँ और इसका तड़का तैयार कर लूँगी। जिस तेल में मैंने पकोड़े फ्राई किए थे उसमें से थोड़ा सा तेल मैंने ले लिया है, तेल को गर्म कर लेंगे। अब इसमें सूखी लाल मिर्चें और कुछ कड़ी पत्ते डाल देते हैं। लाल मिर्चों को हल्का सा फोड़ लें, नहीं तो ये तेल में जाके फूट सकती हैं। मिर्चों का कलर चेंज होने तक इनको फ्राई कर लेना है। इसके बाद में एक छोटा चम्मच जीरा, एक छोटा चम्मच राई, 5-6 कटे हुआ मोटा लहसुन, अगर लहसुन पसंद नहीं है तो ना डालें, पर इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है कढ़ी में, एक चौथाई चम्मच मेथी दाना, एक चौथाई चम्मच हींग डालकर कुछ सेकेंड फ्राई करेंगे। देखिए लहसुन का कलर भी चेंज हो चुका है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। तेल अच्छा तेज गर्म है, इसमें एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दूंगी। इस तड़के को कढ़ी के ऊपर डाल देंगे और कवर करके रख देंगे। 5 मिनट इसी तरह कवर करके रखना है, जिससे तड़के का फ्लेवर कढ़ी में मिक्स हो जाए। 5 मिनट के बाद में बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डालकर मिक्स कर लूंगी। अभी कढ़ी थोड़ी पतली है, पर जैसे जैसे ये ठंडी होगी गाढ़ी होती जाएगी। देखिए कढ़ी की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ऐसी कंसिस्टेंसी होना चाहिए जब तक चावल बनेंगे, कढ़ी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। गैस ऑन करके उस पर मैंने कुकर रख दिया है। इसमें एक छोटा चम्मच भरकर शुद्ध देसी घी डालूंगी, चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं, पर जीरा राइस बना रहे हैं घी में बहुत ही अच्छे लगते हैं। घी अच्छे से गर्म होने के बाद में आधा छोटा चम्मच जीरा डाल दूंगी।
जीरा को सेकेंड तड़के का इसके बाद में एक और पौना गिलास पानी डाल देती हूँ। एक गिलास चावल पर पौने दो गिलास पानी एकदम परफेक्ट होता है। एक छोटा चम्मच भरकर नमक डालकर मिक्स कर लूंगी। जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा इसमें धुला हुआ बासमती चावल डाल देती हूँ। एक गिलास मैंने चावल लिया था। चावल हम जोन सा भी ले रहे हैं उस हिसाब से पानी डालेगा। मैंने यहाँ पर बासमती चावल के हिसाब से पानी डाला है। सारे चावल डालने के बाद में एक बार और चम्मच चला देंगे। अब ढक्कन बंद करके हाई फ्लेम पर एक बिसल आने देते हैं। कम क्वांटिटी में चावल बनाने का एकदम परफेक्ट तरीका है। बहुत ही खिला खिला चावल बनता है। अब एक मिनट के लिए लो फ्लेम पर इन चावलों को पकाएंगे। इसके बाद गैस की फ्लेम को हाई करके दूसरी विसिल लगाएंगे। गैस की फ्लेम को बंद करके कुकर का सारा प्रेशर अपने आप निकलने दूंगी। सारा प्रेशर निकल जाने के बाद में ढक्कन खोलकर चावलों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना बेहतरीन खिला खिला चावल बना है। चावलों को ऊपर नीचे कर लेने से इसके अंदर की जो भी भाप है वह सारी निकल जाती है और चावल ओवर कुक नहीं होता है। थोड़ी सी धनिया पत्ती डालकर हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। खिला खिला जीरा राइस बनकर तैयार है। चलिए कड़ी देख लेते हैं। कड़ी की कंसिस्टेंसी देखिए एकदम परफेक्ट हो गई है। ऐसी ही कड़ी होना चाहिए रोटी और चावल से खाने के लिए। देखिए एक पकोड़ा मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए कितनी आराम से यह पकोड़ा भी टूट रहा है। बहुत ही मुलायम पकोड़े बने हैं। चलिए तो इनको आप सर्व कर लेते हैं। देखिए कितना खिला खिला जीरा राइस बना है। जब भी हम कम क्वांटिटी में चावल कुकर में बनाते हैं तो अच्छा नहीं बनता है, इसलिए आप मेरे तरीके से चावल बनाइए, बहुत ही परफेक्ट बनेगा। और यहाँ पर मैंने जो कढ़ी बनाने का अनोखा तरीका बताया है उसे भी आप जरूर ट्राई कीजिए। ऊपर से धनिया पत्ती डालकर सर्व कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लजीज कढ़ी चावल बन चुका है। यहाँ पर मैंने कच्चे मसालों से कढ़ी बनाई है। इसका अपना एक अलग जायका होता है, बहुत ही ज्यादा जायकेदार कढ़ी बनती है। एक बार आप मेरे तरीके से ये कढ़ी बनाइए और अपने फीडबैक बताइए कि आपकी कढ़ी कैसे बनी। अगर आप मेरे बताए हुए टिप्स और ट्रिक को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी कढ़ी भी बहुत ही ज्यादा मजेदार लजीज जायकेदार बनेगी। ये कढ़ी सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी और खाने वाले तो आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो आप भी इस तरह से ये कढ़ी चावल बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।